थोड़ा भैया जी सर, देखिए पिछले तीन वर्षों में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। तो जो स्कीम्स इस डिपार्टमेंट द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही हैं, चाहे वो मनरेगा है, चाहे वो IWMP है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन है, उसमें भारी पैमाने के ऊपर इरेगुलरिटीज हुई है। और जो इन स्कीमों के बेनिफिशरीज, लेजिटिमेट बेनिफिशरीज थे, उन तक वो जो है फ़ायदा नहीं पहुंच पाया उन स्कीमों का, बीच में ही जो है फंड्स जो है वो साइफन हो गए और गांव के अंदर भारी रोष देखने को मिल रहा है। दो दो तीन तीन सालों से जो लेबरर्स की पेमेंट नहीं हुई है, जो वर्क डन क्लेम्स हैं वहाँ के लोगों के वो नहीं दिए गए हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स की शिकायतें हैं, और जहाँ उनको महरूम रखा गया अपने नॉमिनल वेजेस और नॉमिनल पेमेंट से, वहीं इरेगुलर तरीके से परचेजेस जो है कई सौ सौ करोड़ रुपए की गई, जिसमें प्री गार्ड्स खरीदे गए भारी तादाद में और वहाँ फेंक दिए गए, डंप कर दिए गए। पिछले दो तीन वर्षों में कोई भी इस्तेमाल जो है उनका नहीं किया गया, ये हर ब्लॉक में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से प्लांट्स खरीदे गए जो कि डिपार्टमेंट ने पहले बैन किया था कि कोई प्लांट्स नहीं खरीदे जाएंगे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स द्वारा। इसी तरीके से होर्डिंग्स के ऊपर, बैनर्स के ऊपर, वॉल राइटिंग के ऊपर कई सौ करोड़ रुपया खर्चा किया गया, लेकिन लोगों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था इन स्कीमों का वो नहीं मिल पाया। तो एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हुआ है पिछले तीन वर्षों में, जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और एक हाई लेवल प्रोब किया जाना चाहिए, क्योंकि रियासत का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नर साहब आपको, एडवाइज़र साहब आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पुरानी सरकार में इन फंड्स का जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ जो मनरेगा के कर्मचारी आज हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत ही जेन्युइन इशू है इनका कि इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर पिछले कई वर्षों से रखा हुआ है और बार बार आश्वासन दिए गए और जब पूरा करने की बात आती थी तो इनके ऊपर जो है डंडे बरसाए जाते रहे। इनको विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, जॉब पॉलिसी बनाई जानी चाहिए और इन नरेगा के कर्मचारियों को जो है वो जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाना चाहिए ताकि इनको भी जो है वो इंसाफ हासिल हो सके। Thank you.